हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेगा जसवाल, जिससे ग्लैमर हॉलिक्स मॉम चैनल। आज मैं लेकर आई हूं रिव्यू ब्लू हेवन के आईलाइनर और मस्कारा का रिव्यू। जस्ट 50 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। 50 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं गाइस, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये वाले। बहुत ही मेरे को अच्छे लगते हैं, अफोर्डेबल है, बिगनर्स फ्रेंडली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आपने अभी मेकअप करना शुरू किया है, अगर आप प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स आई थिंक सबसे बेस्ट हैं। मेरे पास अभी ब्लू हेवन के यही दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक मार्केट में सर्च आउट नहीं किया है चीपर एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स में, तो ब्लू हेवन इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। और अभी एक्चुअली ये जो ब्रांड है ब्लू हेवन, इंडिया का ब्रांड है ये, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। इंडियंस हैं, बाहर का कोई ब्रांड नहीं है ये दोनों। इस वाले मेकअप लुक में मैंने यही वाले आईलाइनर का यूज़ किया है और इसी वाले मस्कारा का यूज़ किया है, अगर आप देख सकते हैं तो। ये आईलाइनर वाटरप्रूफ नहीं है गाइस, बस इसका यही एक ड्रॉबैक है, लेकिन इजी टू अप्लाई है, लिक्विड है। अगर आप देख रहे हैं पेन आईलाइनर में, तो ब्लू हेवन में वो भी अवेलेबल है, लेकिन अभी मेरे पास जस्ट यही वाला आईलाइनर है लिक्विड वाला। ये वाला मस्कारा लोकल मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें लोकल मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा ये दोनों। जस्ट इसके MRP जो है 55 रुपीज़ है, लेकिन आपको अवेलेबल है 50 रुपीज़ में, इजीली मिल जाता है लोकल मार्केट से। और इसकी जो MRP है वो 50 रुपीज़ ही है जस्ट, तो 50 रुपीज़ में ये अवेलेबल होता है। वाला मेकअप लुक मैंने इन्हीं दोनों से क्रिएट किया है, इन्हीं दोनों का यूज़ किया है मैंने इसके अंदर। तो ये वाला मेकअप लुक किए हुए जस्ट मुझे 4 to 5 hours हो चुके हैं, क्योंकि ये वाला मेकअप लुक करने के बाद मैंने बहुत सारी रील्स भी अप्लाई की थी, बहुत सारी रील्स बनाई थी। मस्कारा भी जस्ट अभी तक टस से मस नहीं हुआ है, और ये आईलाइनर भी कहीं नहीं किया है। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर बिगनर्स। अगर आप बिगनर्स हैं, पॉकेट फ्रेंडली कोई भी ब्रांड ढूंढ रहे हैं, इजी टू अप्लाई ढूंढ रहे हैं, या इजी टू पॉकेट फ्रेंडली ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं अपने मेकअप पे प्रैक्टिसिंग के लिए, क्योंकि मैं भी जब बिगनर थी तो मैं ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करती थी, बहुत ही चीपर प्रोडक्ट्स में देखती थी। चीप और बेस्ट, मतलब चीप हो लेकिन मेरी स्किन को उससे कोई नुकसान ना हो, तो जस्ट उन्हीं में से ये एक है। ये मेरे पास, मैं इन दोनों को बहुत ही टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है ये वाला प्रोडक्ट। मेरे लिए मेरे को बहुत ही अच्छा, मेरे ज़्यादा वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैं इसी वाले आईलाइनर का इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला मस्कारा मैं नहीं अप्लाई करती हूँ मैक्सिमम वीडियोज़ में, लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में यही वाला आईलाइनर यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर क्या, अभी तक के सभी वीडियोस में मैंने यही वाला आईलाइनर यूज़ किया है। तो मेरे हिसाब से ये वाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर है फॉर बिगनर्स। बिगनर्स अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो जस्ट इन्वेस्ट इन दिस ऑल्सो और दिस ऑल्सो, क्योंकि प्रैक्टिसिंग के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं, जिनके पास, जिनको पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं मिलती है, उनको बार बार महंगे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।